कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा लगाना ही नहीं था, बल्कि वे लाल किले को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नया ठिकाना बनाना चाहते थे। देश में बीते 24 घंटे में 211,275 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनसे ज्यादा यानी 282,924 मरीज ठीक हो गए हैं, 3,841 की मौत हुई। थोड़ी चिंता की बात यह है कि दो दिन से नए केस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे पहले 24 मई को 1.95 लाख और 25 मई को 2.8 लाख कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की 3 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा खुदा हुआ है और यहां जगह जगह जेसीबी काम करती नजर आती है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम विरोध के बावजूद पूरी रफ्तार से चल रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के साथ अदालत में भी इसका विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद भी वैक्सीनेशन धीमा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बार बार नियम बदलने का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। खासकर 18 से 44 साल की आयु के वर्ग के लोग ज्यादा परेशान हैं। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति होगी, लेकिन वर वधु दोनों पक्षों से सिर्फ 10-10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में सरकार टेस्टिंग के लिए व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की लागू रहेगी। राजनीतिक और सार्वजनिक आयोजन, विशेषकर धरना प्रदर्शन, रैलियों और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। यूपी के आजमगढ़ से एक वीडियो वायरल हुआ है। यहां पर पुलिस एक शख्स को मास्क लगाने के लिए बोल रही है, लेकिन शख्स मास्क न लगाने की जिद पर अड़ा रहा। बीच सड़क पर बिना मास्क लगाए घूम रहे शख्स को पुलिस ने खूब समझाने की कोशिश की, पर उसने किसी की कोई बात नहीं मानी। एक पुलिसकर्मी ने उसे नया मास्क निकालकर पहनने के लिए दिया, लेकिन शख्स ने मास्क नहीं लिया और चला गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम लीमो से एक दर्द भरी खबर सामने आई है, जहां एक नर्स जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की सेवा करती रही। 9 महीने से गर्भवती होते हुए भी वह कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही थी, लेकिन इस दौरान वह कोरोना की चपेट में आ गई और एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति सुधरती दिख रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कम हो गई है और मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इस समय चुनौती यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें कई दूसरी बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर राष्ट्रद्रोह का मामला चलाए जाने की मांग की है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अनुसार कमलनाथ संवैधानिक पद पर है और उन्हें पद की गरिमा रखनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर युवाओं के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुई है और इसकी गवाही अब सरकारी आंकड़े भी दे रहे हैं। 1 मई से अब तक देश में कोरोना से जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 26% मरीजों की उम्र महज 18 से 30 साल के बीच है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाने के लिए नया फीचर रोल आउट कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर रिसीव किए गए वॉइस मैसेज की स्पीड को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। कंपनी इस फीचर को एंड्रॉइड के साथ ही आईफोन यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने लॉक इट ऑफ नाम से नया स्पीकर पैक भी रिलीज किया है। नए पैक में कंपनी 28 एनिमेटेड स्पीकर ऑफर कर रही है। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि चक्रवात यास के कारण मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से राज्य में कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए। बनर्जी ने बताया कि मछलियां पकड़ने गए एक व्यक्ति की दुर्घटनावश मौत हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में नए नियमों के मसौदे को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सागर में स्थित भारत के इस आभूषण को नष्ट किया जा रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि वह लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया
लक्षद्वीप सागर में भारत का आभूषण है। सत्ता में बैठे अज्ञानी कट्टरपंथी इसे नष्ट कर रहे हैं। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे इस युद्ध में देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए हमें राज्यों में बटकर नहीं बल्कि एकजुट भारत के तौर पर आगे बढ़ना होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है और उनके वैक्सीन सेंटर पिछले 4 दिनों से बंद है। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कांग्रेस विधायक ने एक अज्ञात महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई है। विधायक नीरज दीक्षित ने पुलिस को शिकायत की है कि अज्ञात महिला ने उन्हें वीडियो कॉल करने के बाद अश्लील हरकतें की और बाद में इस वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ग्वालियर की बेटी रेनू ने फिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। वह बोली, प्लीज मामा मेरी सुन लो। इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो रहा है, पर 24 घंटे में ग्वालियर के डीएम सिर्फ 3 इंजेक्शन ही रेनू के पापा के लिए उपलब्ध करा सके, जबकि हर दिन 5 से 6 इंजेक्शन फंगस रोकने के लिए लगाए जाने हैं। एक्टर सलमान खान ने हाल ही में कमाल आर खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल कमाल आर खान द्वारा सलमान की 13 मई को रिलीज हुई फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नेगेटिव रिव्यू करने के बाद उनके खिलाफ एक्टर की लीगल टीम ने यह एक्शन लिया है। अब सलमान के इस एक्शन पर कमाल आर खान का रिएक्शन सामने आया है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की हॉलीवुड फिल्म आर्मी ऑफ द डेड हाल ही में रिलीज हुई है। वही उनकी OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर वेब सीरीज महारानी भी आने वाली है। इसके अलावा वे तमिल फिल्म में भी काम कर रही हैं। उनका मानना है कि अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने में मजा आता है और बतौर एक्टर ग्रो भी करते हैं। ICC ने बुधवार को वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी की। बॉलर्स की रैंकिंग में बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहंदी हसन ने करियर बेस्ट 2रा रैंकिंग हासिल किया। वे टॉप 3 बॉलर्स में पहुँचने वाले अपने देश के 3रे गेंदबाज है। इससे पहले 2009 में शाबिक अल हसन ने अपनी पोजीशन हासिल की थी। वहीं 2010 में अब्दुल रज्जाक ने 2रा स्थान हासिल किया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने भारतीय तेज गेंदबाजों को क्षमता के मामले में अपने देश के वर्ल्ड क्लास स्विंग गेंदबाजों के बराबर करार देते हुए कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में उन्हें रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी से होने वाले खतरे को लेकर ज्यादा फिक्र है।